यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यशायाह 25। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। तूने तो नगर को डीह और उस गढ़वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ दिया कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाए न जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर अन्य जातियों के नगर में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू दीनों के लिए संकट में, उनका गढ़ और दरिद्रों के लिए, जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर से बौछार के समान होता था, तब तू उस बौछार के से बचने के लिए उनका शरण स्थान और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसा निर्जल देश में तपन बादल की छाया से ठंडी होती है, वैसा ही तू परदेशियों का कोलाहल और भयानकों का जय जयकार बंद करता है। और सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जीवनार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। चिकना भोजन तो उत्तम से उत्तम और निथरा हुआ दाख मधु बहुत ही निथरा हुआ होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है और जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उन दोनों को वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। और उस समय यह कहा जाएगा कि देखो, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं, यह हमारा उद्धार करेगा। यहोवा यही है, हम इसकी बाट जोहते आए हैं, हम इससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे, क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा। और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा पुआल घूरे के जल में लताड़ा जाता है, और वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए हो, परंतु वह उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई की युक्तियों को निष्फल कर देगा। और वह तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ नगर के घेरों और शहर पनाहों को झुकाएगा और नीचा करेगा और भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा।